हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति आर्या। चिप्स खाना हम सबको बहुत पसंद होता है और बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट होते हैं, तो क्यों ना हम घर पर ही परफेक्ट तरीके से चिप्स बनाएं। इसे बनाकर आप एक साल तक स्टोर भी कर सकते हैं, और जब भी आपका चिप्स खाने का मन करे, या व्रत हो, उपवास हो, या बच्चे चिप्स खाने की जिद करे, तो फटाफट से इन्हें फ्राई करके आप दे सकते हैं। और देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं चिप्स, खिले खिले, सफ़ेद सफ़ेद, कुरकुरे एकदम। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो आलू लिए हुए हैं। आलू थोड़े बड़े साइज़ के लिए हैं, इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम छील लेंगे। छील कर हमने इसे पानी में डुबो दिया है, जिससे आलू काला नहीं पड़ेगा। अब इसके चिप्स बनाएंगे। जब चिप्स बनाओ तो उसके अंदर पानी होना ज़रूरी है, उससे चिप्स काले नहीं होते। और मेरे बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है जब मैं चिप्स बना रही हूँ, तो आराम आराम से चिप्स बनाइएगा। यहाँ मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है। ऐसे हम एक एक करके सारे चिप्स बना लेंगे। देखिए मैं एक को बताती हूँ। और देखिए ऐसे हम लोग को आलू की चिप्स को पानी में भिगो कर रखना है। और एक बताती हूँ मैं, इतना थिकनेस चिप्स की और ये साइज परफेक्ट रहता है। ऐसे मैंने सारे आलू के चिप्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, और ये चिप्स बनाने में मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे हैं। अब इन चिप्सों को हम अलग बर्तन में अच्छे से वॉश करेंगे। आलूओं में स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इन चिप्सों को हमें 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करना है। ऐसे हम सारे चिप्स इसमें डाल देंगे। अब देखिए इसे हम एक बार और अच्छे से वॉश करेंगे। जितना अच्छे से आप वॉश करेंगे आलू के चिप्स को, चिप्स उतने ही ज़्यादा वाइट और कुरकुरे बनेंगे। और जब तक इसे वॉश करना है, जब तक इसका पानी साफ़ ना हो जाए। और देखिए मैंने इसे एक बार और वॉश किया था पानी से, पानी अब बिल्कुल साफ़ है। इसे पानी के अंदर भिगो कर रखा है मैंने 4 से 5 घंटे के लिए। अब हम चिप्स को बॉईल करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर तवेली में पानी लिया है, इसे अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। पानी अच्छे से गर्म हो गया है, यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच फिटकरी डालेंगे। ध्यान रखना है फिटकरी आपको कम डालना है, और 1 चम्मच सफ़ेद सेंधा नमक डालना है, जिससे आप फराल में भी चिप्स खा सकते हैं। अब इसमें हम सारे चिप्स को डाल देंगे। और ध्यान रखना है पानी ऊपर तक होना चाहिए। अब मैंने सारे चिप्स को डाल दिया है, इसे ढककर पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और इसे बीच बीच में चलाएंगे भी हम, ताकि चिप्स में लगे ना। चेक करेंगे अभी चिप्स अच्छे से बॉईल नहीं हुई है, इसे और अच्छे से पकाएंगे। अब चेक करेंगे हम फोक की हेल्प से, इसमें अच्छे से चिप्स जा रही है, मतलब चिप्स हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब इसे हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। ऐसे हम सारे चिप्स को निकाल लेंगे। अब इन चिप्स को हम धूप में सुखाएंगे। सब तरफ फैला दिया है मैंने चिप्स को।
अब इसे एक एक करके अलग अलग हमें सुखाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अलग अलग चिप्स को ऐसे डाल दिया है धूप में। चिप्स हमारे सूख गए हैं, अब इन्हें हम फ्राई करके बता रहे हैं। देखिए कितने अच्छे चिप्स बनकर तैयार हैं, खिले खिले सफ़ेद कुरकुरे चिप्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैंने चिप्स में ब्लैक पेपर एंड ब्लैक सॉल्ट मिलाया है, अब इसे खा सकते हैं आप। अब मैं बताती हूँ आपको कितने कुरकुरे बने हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।